केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक पेज से कांग्रेस का गुणगान होने लगा। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। बस फिर क्या था, जैसे ही इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि सिंधिया के फेसबुक पेज को हैक कर लिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सिंधिया के फेसबुक पेज से होने लगा कांग्रेस का गुणगान। फेसबुक पेज से शेयर किया पुराना वीडियो। वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान। फेसबुक पेज हैक कर पोस्ट किया गया था वीडियो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फेसबुक पेज से देर रात एक ऐसा वीडियो पोस्ट हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जहां सिंधिया के फेसबुक पेज को हैक कर किसी ने वो पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें सिंधिया कांग्रेस का गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो के शेयर होते ही प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई, जिसके बाद आईटी एक्सपर्ट सिंधिया के फेसबुक पेज को रिकवर करने के काम में जुट गए। वहीं अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो सिंधिया के फेसबुक पेज को हैक कर अपलोड किया गया था। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है, हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। ये है मोदी जी का न्यू इंडिया, एक नया इंडिया जहाँ बेरोजगारी की जब बात की जाती है 2 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जाएंगे कहा जाता है, लेकिन आज जब मेरा नौजवान भटक रहा है रोजगारी के लिए तो उसको पकौड़ा तलने की नसीहत दी जाती है। इस मामले के सामने आते ही बीजेपी ने भी सिंधिया की तरफ से मैदान संभाला और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। अब देखिए कांग्रेस डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली संचालित कर रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो लगातार केवल अपनी डर्टी ट्रिक्स के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। इसीलिए मेरा स्पष्ट आरोप है कि जो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पेज के साथ यदि कुछ हुआ है तो वो कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का ही खेल है। वहीं बीजेपी के आरोपों और सिंधिया के फेसबुक पेज हैक होने को लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए हैक हो गया है जो भी हो, लेकिन जो बयान दिए हैं, ये आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, ये सब चीजें जिंदा रहती हैं और ये सब चीजें नरेंद्र मोदी जी पीएम हुए और कोई उनके दिमाग में भी जिंदा रहती है। पर ये तो सब अभी उन्होंने समझौते किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें डर की क्या बात है। आपने पहले ये कहा था तो कहा था, ये तो और भी फेसबुक और में चलते ही रहते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज जी के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिए वो भी चलते रहते, तो ये सब राजनीति में इन सब चीज़ों को तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल सिंधिया के फेसबुक पेज के हैक होने पर शुरू हुआ सियासत का यह दौर, कब तक जारी रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल। इंडेक्स मेडिकल अस्पताल इंदौर में कोरोना और ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया जा रहा है निशुल्क इलाज और निशुल्क दवाइयां। सुरक्षित वातावरण में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है जारी।